इस क्वेश्चन को हमें देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मेट है। ये सिंपल सी बात है, साइन थीटा बाय थीटा फॉर्मेट है। एग्जैक्टली फॉर्मेट दिख तो रहा है, लेकिन हाउ कैन वी एडजस्ट, ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आप इस चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, देखिए कैसे करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन, तो जो भी साइन के अंदर होता है, यहाँ पे ए एक्स है, वही चीज इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो हमने ए एक्स से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और फिर फर्दर ए एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास बी एक्स तो पहले से डिनोमिनेटर पड़ा हुआ था, तो दैट इज बी एक्स। तो ये पार्शली आपको दिख रहा होगा कि ये एडजस्ट हो चुका है, साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म हो चुका है, और यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेंसी यहाँ पे है वो रिमूव हो जाएगी। तो आपका पहला, ये पहली ब्रैकेट भी आपकी क्या है, दैट इज फाइनाइट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये दूसरी ब्रैकेट आपका तो कांस्टेंट नंबर है, ये आपका सीधे लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिमिट के बाहर ले लेते हैं, a by b लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब इसे आप चाहे तो डायरेक्टली वन प्लेस कर दो, या फिर एक स्टेप का प्रोसेस आगे कर लो। वैसे हम लोग डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर होते हैं जो रिक्वायर्ड, वो चाहते हैं कि स्टेप्स लिखी जाए। तो हम ए एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे, वाई लेट। तो एज एक्स अप्रोचिंग टू जीरो इंप्लाइज ए एक्स इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो इंप्लाइज वाई इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको आप y वेरिएबल में चेंज कर दोगे, तो लिमिट y अप्रोचिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका साइन y अपॉन y। अब जाके आप वैल्यू प्लेस कर दो, तो ये आ गया आपका a by b into 1, that is a by b, a by b।